क्या चाहते इंसाफ, हम क्या चाहते इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, 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 इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद। एक स्टेट पे दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक स्टेट पे दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक स्टेट पे दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक स्टेट पे दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक स्टेट पे दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक स्टेट में दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक स्टेट में दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। माइग्रेशन जो है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। डोडा में सामान्य हालात हो गए, आप लोग वापिस जाइए। क्या उस समय जब हमारे पेरेंट्स आए थे उस समय सामान्य हालात थे? आज हमारे को कहते हैं, आज न्यू जनरेशन जो हम है हमारे को कहते हैं वापिस जाओ। तो ठीक है, वापिस जाएंगे, एटलीस्ट जो बच्चे हैं उनके लिए पैकेज बना दीजिए। जो हम आमवान जाके क्या करेंगे, खेती बाड़ी तो कर नहीं सकते। अगर हम पहले से ही वहीं रहते तो खेती बाड़ी कर लेते। जो आज का पढ़ा युवा है वो करेगा खेती बाड़ी? देखिए मैम, इस लड़की ने 82% मार्क्स ले गए हैं, अगर इसका राशन कार्ड पे नाम नहीं है, जॉब नहीं कर सकती, कहीं कुछ नहीं कर सकती, क्या करेंगे हम लोग बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे? 1996 से आप इसी हालात में? बिल्कुल मैम, इसी हालात में। हमारे साथ फैमिली जी, पहले इंक्लूजिंग हमारी होती थी, ठीक है, कुछ टाइम के 2003 के बाद इन्होंने हमारी इंक्लूजिंग बंद कर दी। बीच बीच में इन्होंने इंक्लूजिंग की हमारी डोडा वालों की। आज इनके पास कौन सा ऑर्डर है, कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे को बंद कर दिया, आपकी इंक्लूजिंग करना बंद कर दी। ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो गवर्नमेंट चाहेगी कि किसी बच्चे के पेट पर लात मारो, किसी बच्चे का राशन बंद कर दो, किसी बच्चे का इंक्लूजिंग नहीं हो, किसी बच्चे का डोमिसाइल नहीं बने, किसी बच्चे का स्टेट सब्जेक्ट नहीं बने, या किसी बच्चे का माइग्रेशन नहीं बने? ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है? कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलती है, बट ये डिपार्टमेंट का काम है कि अगर अगर ये बच्चे चढ़ने, क्या कश्मीरी माइग्रेंट के ही बच्चे बच्चे हैं? उन बच्चों को हम नहीं कहते कि उनके बच्चों को मत चढ़ाओ, वो ठीक है, उनका राइट है, हम भी बोलते हैं उनका भी राइट है, हमारा भी राइट है, बट हमारा राइट क्यों छीना जा रहा है हमसे? हम लोग कहाँ जाए, किससे अपील करें? हम जहाँ जाते हैं हमको एक ही बोलते हैं, आप लोग डोडा माइग्रेंट, आप लोगों के लिए माइग्रेशन नहीं। माइग्रेंट तो होना बिल्कुल मैम, हम रजिस्टर्ड माइग्रेंट है, हम लोगों के पास ऑर्डर भी है, हम लोगों के पास CID क्लियरनेस है, बट फिर भी हमारे साथ ये जाति क्यों हो रही? जो न्यू बच्चे हैं हमारे, पैदा हुए बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? अगर यूपी बिहार से कोई वो लाते हैं शादी करके कश्मीरी कम्युनिटी के लोग, उनको राशन कार्ड पे चढ़ा देते, PM पैकेज में उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, तो हमारे बच्चों ने क्या गुनाह कर दिया? क्या चाहते इंसाफ, हम क्या चाहते इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, 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 इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद। एक स्टेट पे दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक स्टेट पे दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक स्टेट पे दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक स्टेट पे दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक स्टेट पे दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक स्टेट में दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक स्टेट में दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। मसलन एक किस्म का पानी, नमक दे के तो पानी नहीं देना, वो हाल हमारे साथ हो रहा है। नहीं तो हम 96 के माइग्रेंट हैं, जैसे कश्मीरी पंडितों को माइग्रेशन अगर है, माइग्रेंट इज माइग्रेंट। अगर हमें कोर्ट का रास्ता, उनको कोर्ट का रास्ता नहीं है, हमें कोर्ट के ही थ्रू जो कुछ मिला आज तक, वो कोर्ट के ही थ्रू। हम आज रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नर साहब बड़े अच्छे फैसले दे रहे हैं, लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब से कि वो भी हमारा फैसला, हमारी इस फाइल को देखें, उस तक हमारे पहुंचे। अभी तक हमने को 50 एप्लीकेशन दिए गवर्नर को, अभी तक हमें मिलने का कोई टाइम नहीं दिया, वो आगे से ही खा जाते हैं। लिहाजा गवर्नर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमारे इस माइग्रेशन को देखो। टोटल 153 फैमिली है हम डोडा माइग्रेंट्स के, लिहाजा हमारे साथ इंसाफ के, हमें क्वार्टर सिर्फ नौ आदमी को मिले हैं, बाकी किसी को न दर बदर है, लोग किरायों पर हैं। अब आगे से मैं जो सब कुछ महंगा हो रहा है, कमाएंगे कहाँ से? इससे 1996 से हाँ बिल्कुल, बिल्कुल इसी हालात में है। मतलब वही जो राशन कार्ड उसको बना है उसी पे जो है वही है। हमारा मसलन पीछे हमारा कागज कोई भी नहीं, वो कार्ड दिया है क्योंकि ये माइग्रेंट है। अच्छा यहाँ दे नहीं रहे हैं, हमारे बच्चे दर बदर हैं, क्वालिफाइड बच्चे हैं जो लिखे पढ़े, हमें अगर माइग्रेंट सर्टिफिकेट होता हमारे बच्चे भी कहीं मुलाजम होते, कुछ न कुछ आगे जो पढ़ के फायदा क्या रहा हमारी पढ़ाई का भी, मजदूरी कर करके पढ़ाया हमने इन लोगों लड़कों को।
दरबदर हैं, सो मजदूरियों पे लगे हैं। लिहाजा मीडिया वालों का हम बहुत शुक्र गुजार हैं कि आपने अपना टाइम, कीमती टाइम निकाला, शुक्रिया।